एवरीबडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट का नाम है फेडरलिज्म, 30th जुलाई 2020 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। अगर अभी तक आपने लेट्स जीको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अब इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी लर्न कर सकें ईजिली और ये सारी वर्कशीट्स के क्वेश्चन आंसर्स और एनालिसिस को आसानी से पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट फेडरलिज्म। हमने पहले इससे पहले वाली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 10 में हमने पढ़ा था फेडरलिज्म, व्हाट इज़ अ फेडरल स्टेट, इज इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और फेडरलिज्म और फेडरल स्टेट मतलब, और फेडरलिज्म दो तरीके से बनता है, हमने ये भी कहा था। कई बार स्टेट्स मिलकर एक यूनाइटेड बनाते हैं कंट्री की फॉर्म में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है, और कई जगह क्या होता है, ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ फेडरलिज्म हो गया। दूसरी जगह क्या होता है, सरकार जब बहुत बड़ा देश होता है तो खुद छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देती है पावर्स एंड अथॉरिटीज, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी रन वेरी स्मूथली, जैसा कि इंडिया में किया गया। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर फेडरल, बट इन मैनी वो इन मैनी चांसेज इन मैनी वेज वी आर नॉट फेडरल, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द फेडरलिज्म में, वी आर सपोज टू डिस्कस द थ्री लिस्ट इन विच आर पावर्स आर डिवाइडेड। हमने पहले ही कहा था फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स पहले से ही डिवाइड कर दी जाती है ताकि दोनों में कोई इंटरफेरेंस ना रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ थ्रेशहोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स द थ्री लिस्ट, तीन लिस्ट है बेटा, यूनियन लिस्ट सेंटर गवर्नमेंट की है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के वो होते हैं, दोनों की स्टेट और यूनियन दोनों डिसीजन ले सकती है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। यूनियन का जो वो होगा लॉ होगा या यूनियन का जो अथॉरिटी होगी वो हायर अथॉरिटी मानी जाएगी, ना कि स्टेट की अथॉरिटी। तो पहला पढ़ते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ये इस लिस्ट में हैं बिकॉज इनके लिए पूरे देश में एक पॉलिसी की ज़रूरत है, हम अलग अलग पॉलिसीज नहीं बना सकते। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स डिस्कस्ड अंडर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में सिर्फ यूनियन ही फैसले कर सकती है, सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही फैसले कर सकती है। नाउ लेट्स गेट टू द स्टेट लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो है उनके बारे में स्टेट लिस्ट करेगी, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और इरीगेशन फैसिलिटीज हैं, पानी सिंचाई की सुविधाएं हैं। अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों को रन करने पड़ते हैं। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। अडॉप्शन होता है गोद लेना और सक्सेशन होता है मतलब वारिस की इसके बाद कौन इसका हकदार बनेगा, सक्सेसर बनेगा। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पर दोनों स्टेट बना सकती हैं लॉ, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, मैं आपको इसके साथ ये भी बताती हूँ कि कौन से लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आता है। आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वेट फॉर मोमेंट। चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, उसमें आप लोग पढ़ पाएंगे कि कौन से लिस्ट में कौन कौन से वो होते हैं टॉपिक्स की, बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी है बेटा। मैं आपको काउंट बता देती हूँ, 98 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं यूनियन लिस्ट में, जो पहले 97 थे अब 98 हो गए हैं। पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आते थे, 60 अब 61 हो गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट में पहले 52 सब्जेक्ट्स होते थे अब 47 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। तो ये है यहाँ पर काउंट फिलहाल, और इन केस अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी जिसमें ये लिखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से मुद्दे हैं जहाँ पर ये तीनों लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। इज इंडिया ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर इज मोर पावरफुल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से मदद वो क्लेरिफाई कीजिए। देखिए मैं बताती हूँ, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, देर आर सेपरेट पावर सेपरेशन, कम्प्लीट पावर सेपरेशन है स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, बट यूनियन के पास यानी सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं टू टेक डिसीजंस, पहली चीज़। स्टेट के पास कम है। दूसरा, जो कंकरेंट लिस्ट बनती है यानी कि ऐसे लिस्ट जिसमें दोनों डिसीजन ले सकते हैं, उसमें अगर स्टेट डिसीजन ले लेता है और सेंटर भी, तो किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा,
सेंटर का ही डिसीजन प्रिवेल करेगा, तो दैट मीन्स सेंटर इज मोर पावरफुल. क्लियर है? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स एट द स्टेट एंड द सेंटर लेवल. सेंटर लेवल पर लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा मुद्दे हैं जिन पर सेंटर वो ले सकता है, फैसले ले सकता है. स्टेट के पास पहले ही सब्जेक्ट्स कम हैं. ऊपर से जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इकट्ठे डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डिसीजन लेने की जो पावर है, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो सेंटर के पास ही है. क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट के लॉज को स्टेट लॉज विल सीम नल एंड वॉइड एंड द सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल. सेंटर का जो लॉ होगा दैट विल प्रिवेल. चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया सेंटर इज मोर पावरफुल. एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. फाइंड द नेम ऑफ टू स्कूल्स इन योर एरिया विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट रेस्पेक्टिवली. देखिए बताइए दो स्कूलों के नाम. एक तो केवी जो होते हैं, यानी सेंट्रल स्कूल जो होते हैं वो सेंटर गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल स्कूल है. और जो आपके स्कूल हैं, सर्वोदय विद्यालय जितने भी हैं, राजकीय विद्यालय जितने भी हैं, वो कौन चलाता है? वो दिल्ली गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट चला रही है. ठीक है, तो क्लियर है? डाउट तो नहीं इसमें कोई भी? तो कुछ स्कूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, कुछ स्कूल्स को दिल्ली गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है. आप एग्जांपल लिख सकते हैं दोनों का एक एक. फाइंड अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ थ्री लिस्ट हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब सब्जेक्ट. इसके बारे में बात पहले भी करना चाहती थी बेटा. देयर इज वन मोर लिस्ट. इन लिस्ट के अलावा देयर इज अ लिस्ट कॉल्ड रेजिडुअरी पावर्स. कौन सी पावर्स हैं? रेजिडुअरी पावर्स हैं. ऐसी पावर्स हैं बेटा जैसे आईटी लॉज आ गए हैं. अब जब से ये कंप्यूटर आया, फ़ोन आया, तो हम लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉज, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1947 में जब संविधान बनाया जा रहा था तब थी ही नहीं आईटी के बारे में कुछ, तो उस समय उसके कानून नहीं बनाए गए. तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब जाकर इस एज में जाकर इन द मॉडर्न 21st सेंचुरी ज़रूरत पड़ी है उन कानूनों की और उन लॉज की. तो वो लॉज क्या हुआ है? वो लॉज रेजिडुअरी पावर्स में चले गए. ना वो यूनियन लिस्ट में थे, ना वो स्टेट लिस्ट में थे, ना कंकरेंट लिस्ट में. तो जो रेजिडुअरी पावर्स को में उनको डाल दिया गया, वो ऐसे कानून हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाए गए, जिनकी पहले ज़रूरत नहीं थी लेकिन अब ज़रूरत पड़ी तो हमने बना लिए. अब इनका अब बात आती है कि ये जो बना तो लिए कानून, लेकिन हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच सब्जेक्ट. सेंटर गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच सब्जेक्ट्स. ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है. और यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं, सेंटर इज़ मोर पावरफुल. हो गया ना सेंटर और भी ज़्यादा पावरफुल. जो भी नए लॉज बनेंगे, नई चीज़ें आएंगी मार्केट में, नए हिसाब से नए कानून बनाए जाएंगे नई सेंचुरी में, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा पावर्स या उनकी पावर किसमें इन्वेस्टेड होगी? उनकी पावर विल बी इन्वेस्टेड इन द सेंटर गवर्नमेंट इटसेल्फ. आई होप योर वर्कशीट इज़ डन. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करिएगा. तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.